हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्री वेडिंग स्टूडियोज के बारे में और उन स्टूडियोज में लगने वाले कुछ आर्टिफिशियल सेट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको प्री वेडिंग स्टूडियो ओपन करना है या आप फोटोग्राफी का बिजनेस करते हैं, प्री वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस करते हैं, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको कुछ एक जानकारी देना चाहता हूँ, हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में काम आ जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं आर्टिफिशियल शूटिंग सेट के बारे में। दोस्तों, अगर आप प्री वेडिंग स्टूडियो चलाते हैं तो उसमें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये जानना कि आप उसमें किस तरह के सेट यूज करते हैं, क्या आप बैकग्राउंड यूज करते हैं, क्या आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि फोटोग्राफी में जितना अच्छा सीन आप क्रिएट करेंगे, जितनी अच्छी आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे, उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आप कहाँ पे शूट कर रहे हैं, सीन क्या क्रिएट कर रहे हैं। ये एक मेन पॉइंट है प्री वेडिंग स्टूडियो के बिजनेस का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप कोई फोटोग्राफी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या प्री वेडिंग, खासतौर पे प्री वेडिंग की जो शूटिंग होती है वो अलग अलग लोकेशन पे होती है। आप अपने क्लाइंट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले जाते हैं, आपको अलग अलग सीन के लिए, अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, जिसमें ट्रेवलिंग कॉस्ट बढ़ती है, अकोमोडेशन कॉस्ट बढ़ती है, और ये जो प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, और आपको बहुत सारे सीन भी नहीं मिल पाते हैं प्री वेडिंग शूट के लिए। तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आर्टिफिशियल शूटिंग के सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक वाइड वेराइटी ऑफ थीम हमारे पास है, जैसे रजवाड़ा थीम है, रोमन थीम है, या लंदन स्ट्रीट का व्यू है, या काउबॉय थीम आजकल काफी चल रही है, जयपुरी झरोखे वाली थीम है। ये सारी थीम्स चल रही हैं प्री वेडिंग स्टूडियो में, और इनको आप एक ही जगह इंस्टॉलेशन करा सकते हो, एक बढ़िया स्टूडियो बना सकते हो, एक छोटी सी जगह पे एक बढ़िया स्टूडियो ओपन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए आर्टिफिशियल शूटिंग सेट, एक वैरायटी आपको अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इन आर्टिफिशियल शूटिंग सेट का जो बेनिफिट है वो ये है कि जो स्टूडियो चलाते हैं उनको एक वैरायटी मिल जाती है, एक ही जगह पे वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्लाइंट को भी ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो एक ही जगह पर अपना शूट करा लेते हैं, उनको ज्यादा ट्रेवल भी नहीं करना पड़ता। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सेट हैं हम अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आपके स्टूडियो की साइट पे इंस्टॉलेशन भी करा कर देते हैं। ये जितने भी सेट हैं ये वाटरप्रूफ होते हैं, अगर आप इनको आउटडोर में लगाना चाहें, इंडोर में लगाना चाहें, कहीं भी आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये इंस्टॉलेशन आप करा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं इन आर्टिफिशियल बैकड्रॉप की लाइफ की बात करूं तो ये 10 से 15 साल तक आराम से चल सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो 3 से 4 साल में आप इनको रीपेंट करा सकते हैं। अब जो रीपेंट वाले सेट हैं उनमें कुछ प्लेन कलर के सेट आ जाते हैं, जैसे व्हाइट कलर है या ऑफ व्हाइट है या क्रीम कलर है, इस तरह के सेट जो है वो मैले हो जाते हैं, इसलिए 3-4 साल में रीपेंट की जरूरत पड़ती है। हालांकि जो एंटीक कलर के सेट हैं वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, उनका पेंट कभी खराब नहीं होता है। और लाइफ की बात करें तो मटेरियल तो 10 से 15 साल आपका कहीं नहीं जाएगा। वैसे अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, नए हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको इसमें 4 से 5 बीघा जमीन की जरूरत पड़ती है, जो कि तकरीबन 40,000 गज के करीब होता है। अगर आप इतनी जगह में ये स्टूडियो ओपन करते हैं तो आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, उसमें एक रेस्टोरेंट या चेंजिंग रूम, ये सब चीजें भी आप साथ में बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसमें इतनी जगह होनी चाहिए, इसमें आप एक बढ़िया जो है स्टूडियो खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही है। अगर इस बिजनेस से जुड़ी और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।